It's me, Sukaina, and welcome to my channel. आज मैं करने जा रही हूँ मेरी दादी का makeover, because वो बहुत time से बोल रहे थे कि मुझे कलर करते, तो मैंने सोची क्यों ना मैं उसको document करूँ ताकि ये memories के लिए रह जाए ज़िंदगी भर के लिए. और उनसे permission लेना कि मैं record करूँ बहुत मुश्किल था. Trust me, आप लोगों को दिखा दूँ. एट लास्ट उन्होंने परमिशन दे दी तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ. तो आप लोगों को मैं मिला रही हूँ मेरी दादी से फर्स्ट टाइम, तो चलो मिलते. तो मेरी दादी आ चुकी है. दादी माँ हाय करो. हाय. तो दादी माँ हमारे को कौन सा कलर करना है? ओके, तो आज हम लोग करेंगे इनका मेकओवर, जो कि है बाल में कलर करेंगे और जो भी इनको करना है कि मैं ये सब चीज़ें उनको करके दूँ. ये देखो मेरी दादी की चांदी है, इसको मैं करने जा रही हूँ ब्लैक गोल्ड. तो मैंने अभी कलर प्रिपेयर कर ली हूँ और दादी माँ भी रेडी है ना. दादी माँ चल, ये स्ट्रिप को पकड़, ये वाइट स्ट्रिप को छोड़ो गाइस. हेलो, ये एक स्ट्रिप बाल. अरे तो वही करना चाहती हूँ. डाल देंगे तू, ऐसा है ना, डाल देंगे. आते का वो मेरे मिक्रोफोन में से ऐसे जैसा आ गया दूंगी, मैं निकल दूंगी भी डाल दूंगी. सॉरी मां, मैं तुम्हारा बाहर घसीटता नहीं हूँ जोर से, तुम्हारे को कैमरे में दिखाएंगे कि तुम्हारे को मेरे जोर से बाल घसीट दिया. मेरे को डर लग रही, पहली बार कर रहा हूँ तो मेरे समझ नहीं आ रहा. माया क्या कर रहा है? मेरे को समझ नहीं आ रहा है दादी माँ का बाल में कलर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा. चलेगा. दादी माँ ना, मेरी दादी माँ ना कितने साल की बताओ, गेस करो और कमेंट करो, बताओ कितने साल की है. मैं बता सकता हूँ, सच में बताओ कितने साल की. दादी माँ तुम्हारे कान घसीट रहा हूँ, तुम जरा आ करके वापस ले पाओगे. अरे गांधी बाबा तुम्हारे सामने गांधी बाबू जी को गोली मारे थे ना. हाँ, सच मारे थे क्या? वो पीछे भागे थे उसके साथ, गांधी बाबू के पीछे. औरत थी जो मारने वाली थी. आदमी था, पर था आदमी मारा, औरत भी भागी थी. दादी माँ का पूरी हिस्ट्री चेंज कर रहा हूँ. जो पूछा है वही बता, जो सच बात है वही बता देगा तू. वही नहीं सुन भाई, जो आदमी वो छापने वाला. दादी माँ वो चश्मा थे, वो स्टार और वो सब दिखता है बिना. दादी माँ मस्त लग रही हो यार, बाहर खुलने में तो तुम अच्छी लग रही हो. ऐसी दादा माँ फ्लैट नहीं हुए थे. सुन लेते हैं दादी माँ मेरी. हाँ, आदमी चला गया, तू क्या करेगी? हाँ क्या करेगी? अभी हम लोग ने कर दी कलर ऑलमोस्ट फिनिश. और मैंने सोची कि दादी माँ को मतलब व्हाइट एंड ब्लैक सॉल्ट एंड पेपर करने से अच्छा कि मैं आगे के दो स्ट्रेंथ्स को ना व्हाइट ही रहने दूँ और बाकी के पूरे बालों को ब्लैक कर दूँ, तो बहुत खूबसूरत दिखेगा और ये थोड़ा बहुत हॉलीवुड स्टाइल भी. और इनके बालों को धोने के बाद में फिर हम लोग आपसे मिलते हैं. अभी हो गया इनका कलर, डाइसन यूज़ कर दी मैं दादी माँ पे और उनका बाल बहुत अच्छे से कलर हुआ है. पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से मैंने मिस्टेक कर दी ये बाल को छोड़ के. मुझे लगा कि ये थोड़ा सा फेस को हाईलाइट देगा, इसकी वजह से वो जानते हो. तो इनके बाल को हम लोग कर रहे हैं ड्राई, और ड्राई के बाद में मैंने सोची कि डाइसन का वो जो एयरैप है उसको यूज़ करूँ और दादी माँ के बाल को थोड़ा सा स्टाइलिंग भी दूँ ताकि पहली बार वो कुछ ऐसा. दादी माँ स्टाइलिंग पहली बार कर रहे हो ना, तो डाइसन के साथ में आज हो रहा है और दादी माँ
खुश है क्योंकि हमेशा मैं यूज करती हूँ दादी माँ देखती हूँ, बोलते मेरा भी करना तो इससे। एक मैं हम तुम्हारे को मिरर ला के देखी ना दादी माँ, मेरे को बताओ कैसा लगा। अच्छा लगा। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से कमेंट करो, और अरे माँ बोलो लोगों को कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बोलो कमेंट करो, सब्सक्राइब शेयर करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करो। मस्त दिख रहा दादी माँ, बहुत मस्त दिख रहा। एक्सपेक्टेशन नहीं थी दादी माँ कि ये आगे के बाल ऐसे दिखेंगे, और बहुत अच्छे दिख रहे, एकदम हॉलीवुड टाइप।